हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका आपके चैनल सक्सेस मंच में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब ऑप्शनल जो पेपर थे हमारे, वो पेपर हट चुके हैं। उसकी जगह पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 ने ले लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का सिलेबस क्या होगा। आज मैं 5 का सिलेबस आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें 6 का सिलेबस बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि 5 और 6 का सिलेबस कंप्लीट करवाऊं आपको। और 1, 2, 3, 4 तो आप एज इट इज चल रहा था जो हमारा, वो नॉर्मली चलता रहेगा कुछ टाइम्स के गैप में। और जैसे कि आपको पता होगा पेपर नंबर जो हमारा 1 है, 1 और 2, वो होगा सामान्य हिंदी और एसे का हमारा पेपर होगा। उसके बाद 3, 4, 5, 6 जैसे 4 पेपर होते थे पहले सामान्य अध्ययन के, जनरल स्टडीज़ के, वैसे ही होंगे। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश का पोर्शन हटा दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का पोर्शन नहीं आएगा। और सामान्य अध्ययन पेपर 5 और सामान्य अध्ययन पेपर 6 ये हमारा नया जोड़ा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पोर्शन को इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं पेपर नंबर 5 में उत्तर प्रदेश के किस पोर्शन को इंक्लूड किया गया है। और अब हम जो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें पेपर 5 और पेपर 6 से क्या क्वेश्चन हम करेंगे मेनली। तो सबसे पहले जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं, पर्यटन, उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, ये सारे जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो कि पहले जीएस पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3 और 4 में तो नहीं, 4 एथिक्स का होता है, पेपर नंबर 1, 2, 3 में इंक्लूड होते थे। अब उसको सेपरेट कर दिया गया है और पेपर नंबर 5 और 6 में इंक्लूड किया गया है। पेपर नंबर 1, 2, 3 में हम क्या करेंगे, जो नया सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल व राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के स्थानीय, शहरी व पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उग्रवाद के प्रसार व विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य व अंतर राज्य सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया और सोशल नेटवर्क साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना और इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियों और उसके शासनादेश, अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश के समसामयिकी घटनाएं, जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन मतलब कि एनजीओस, मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, मुद्दे और संभावनाएं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे और इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो
अब मैं जो नया वीडियो इसमें लेकर आऊंगी वो लाऊंगी उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्री आने वाला है। अब प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश की साल भर की जो समसामयिक की घटनाएं हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है और उस पर हमें लिखना आना चाहिए। तो मैं एक इसमें जो भी समसामयिक की घटना घटी होगी उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, ताकि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर एलेबोरेट कर सके। तो हम लोग सबसे पहला इसमें टॉपिक करेंगे उत्तर प्रदेश की समसामयिक की घटनाएं। तो आज का वीडियो होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर नंबर 6 के बारे में सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम लोग अपना शुरू करेंगे नए टॉपिक्स, और धीरे धीरे ऐसे ही वीडियोज आगे आती रहेंगी इस चैनल पे आपके लिए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।